नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको पूर्व दिशा, ईस्ट जोन, आपके अपने घर की जो पूर्व दिशा है उसका फर्श का लेवल ऊंचा किया हुआ है तो आपके यहाँ किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी दी थी। और आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो है आपकी अग्नि दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आपका फ्लैट है, घर है, कोठी है या बंगला है, यदि आपने अपने घर की साउथ ईस्ट की दिशा, आग्नेय दिशा, फर्श के लेवल में ऊंची कर दी है तो आपके यहाँ एक बार को बढ़िया धन दौलत आने के रास्ते बन जाते हैं और बढ़िया धन दौलत आती है। ऐसे ही छत के ऊपर आपने सिर्फ साउथ ईस्ट के भाग में आग्नेय दिशा में अकेला कमरा बनाया हुआ है तो भी आपके यहाँ एक बार भरपूर दौलत आने के रास्ते बन जाते हैं और आती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए आती है, उसके बाद आना बंद हो जाती है। जो आपके यहाँ धन दौलत आती है वो आनी बंद हो जाती है। साउथ ईस्ट की दिशा हमेशा ही भरपूर धन दौलत देने के रास्ते बनाती है। यदि आपके यहाँ एक बार भरपूर दौलत आकर रुक चुकी है और आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ दोबारा से धन दौलत लगातार आए तो उसके लिए आपको कुछ छोटे से उपाय जरूर करने हैं। यदि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपको साउथ ईस्ट का भाग फर्श के लेवल में ऊंचा नहीं करना है, यानी जो आपका अपना घर है उस घर के फर्श के लेवल के बराबर ही आपको साउथ ईस्ट के भाग के फर्श का लेवल रखना है और छत के ऊपर भी अकेला कमरा नहीं बनाना है। आप बना चुके हैं तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आपने अपने यहाँ साउथ ईस्ट के भाग में यदि फर्श का लेवल ऊंचा है किया हुआ है तो यहाँ पर आपने ग्रीन कलर का पेंट करना है। छत के ऊपर रूम बनाया हुआ है तो रूम के अंदर और बाहर के भाग में ग्रीन कलर, हल्का हरा रंग का पेंट करना है। ऐसा करने से आपके यहाँ रूटीन में पैसे आने के साधन दोबारा से बन जाएंगे। सिर्फ आपने अपने घर के साउथ ईस्ट के भाग में हरा रंग करना है। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर सिर्फ साउथ ईस्ट का भाग फर्श के लेवल में या छत के लेवल में ऊंचा नहीं करना है। इस बात की आपको सावधानी बरतनी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करें। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रूटीन में पहुंचे उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले प्रोग्राम में मैं आपको दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन के फर्श के लेवल के ऊँचे होने के या छत के ऊपर कमरा बनने के क्या प्रभाव घर के अंदर मिलते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।